Hello and welcome everyone. So we are starting with a very new topic, Newton's laws of motion. इसको NLM भी कहते हैं, especially आप अगर already इसको school में पढ़ रहे हो या institute में पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि इसको NLM भी कहते हैं. और बच्चों आज हम सीखेंगे कि NLM को पढ़ते कैसे हैं, NLM जैसा beautiful chapter कैसे पढ़ा जाता है, कैसे visualize किया जाता है आज हम देखेंगे. मैं आप सबकी chat यहाँ पे देख भी रहा हूँ. I think many of you were waiting. Thank you so much. I started this early because I wanted some extra time to with all of you today. Okay, तो बच्चों let's get started. Before we get started, let me tell you a little bit about this awesome team out here. So these teachers are one of the best teachers in the country. Jayan sir jo ek dream ranker the, all India rank 161, IIT Bombay computer science. Paras sir jo India ke top educator hain chemistry ke, sabse behtareen teacher hain jo chemistry ke, jinhone Ministry of Human Resources mein apna yogdan diya hai chemistry ke liye. Myself, Namo Kaul, a little bit about myself, bachon. In 2018, I was awarded for best teaching and pedagogy at the National Teachers Conclave. Uske ilawa, I have also been an inventor of an edtech patent in my early 20s. Maine 50,000 se zyada bachon ko padha rakha hai. YouTube pe lakho bachon ko padha rakha hai. And again, I have been certified by the Indian Association of Physics Teachers as well. Bachon, that is a little bit about myself, but again, I'm not here because of all these things. I'm here because I love this subject and my bloody job is कि आप सब लोग प्यार करने लग जाओ फिजिक्स से, एंड दैट्स सक्सेस. ओके, उसके अलावा समीर सर जो टीचर टीचर्स के भी टीचर्स रह चुके हैं, सो ही हैज़ बीन टीचिंग अ लॉट ऑफ एस्पायरिंग जेई टीचर्स. सो अगेन ही इज़ फ्रॉम IIT रुड़की, एंड जहाँ पे भी रहे हैं ये अपने डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, एंड अगेन दीज आर द टॉप टीचर्स हु विल बी टीचिंग यू लाइव डेली. सो अगेन लाइव आना जरूरी है 7, 8, 9 ऑन अ डेली बेसिस. ओके, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंड रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8,000 बच्चे किसे कहते हैं हमारे साथ इस ग्रुप चैट पे हैं. तो जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे ही प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल करो, टेलीग्राम करके एक ऐप है उसको पहले इंस्टॉल करो अपने फोन पे, उसके बाद ब्राउजर पे जाओ, दिस इज द मोबाइल ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम ओपेरा, और वहां पे जाके ये टाइप कर दो, है ना, जैसे वेबसाइट होती है ना वैसे ये टाइप कर दो tinyurl.com/jeelivechat, और आप हम सब लोगों के साथ जुड़ जाओगे इस टेलीग्राम चैट पे. अगर आप अभी तक नहीं आए हो तो जरूर आ जाना. और बच्चों अगर आप नए हो तो प्लीज वो लाल वाला बटन अभी के अभी दबा दो, सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, और अगेन लाइक बटन तहस नहस हो जाना चाहिए. बाय द टाइम दिस क्लास एंड्स मैं वहां पे 600 लाइक्स देखना चाहता हूं. क्या आप मेरा ये क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? डेफिनेटली करेंगे. वी ऑलरेडी हैव 137 लाइक्स. बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि प्लस कोर्सेज भी लाइव हो चुके हैं. ये परफेक्ट टाइम है सारे IIT JEE एस्पिरेंट्स को, अगर आपको अपना IIT का सपना पूरा करना है तो अगेन JEE लाइव डेली पे तो हम आपको पूरा पढ़ाएंगे ही, आपकी पूरी देखभाल भी करेंगे, और वो आपके लिए JEE मेंस और एडवांस के लिए पूरा सफिशिएंट होगा. बट अगर आप डाउट्स लेना चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड वे से पढ़ना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा, उस पर अनअकैडमी प्लस. तो अगेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेटर्स और सबसे ज़्यादा लर्नर्स लाइव पढ़ाते हैं. हमारी पूरी टीम यहाँ पे पढ़ाती है, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाती है, दिल्ली के बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, मुंबई के बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, ऑल द टॉप एजुकेटर्स आर ऑन अनअकैडमी प्लस. एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए सब कुछ ओपन हो जाता है सबके. बट अगेन दिस इज अ पेड प्लेटफॉर्म, बट एज आई कीप सेइंग अनअकैडमी इज नॉट अ कंपनी, इट इज अ स्टेटमेंट. ओके, अनअकैडमी ने इसको इतना सस्ता रखा है, इतना अफोर्डेबल रखा है कि बच्चा बच्चा गांव गांव में ये बेस्ट एजुकेशन अफोर्ड कर पाए. ओके, और उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्लस कोर्सेज जो लॉन्च हो चुके हैं, इमर्ज, इवॉल्व एंड एक्सेल, बहुत सारे कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज पे ऑलरेडी आ चुके हैं, सिग्नेचर कोर्सेज ऑफ फिजिक्स सारे सब्जेक्ट के, एवरीथिंग इज ओपन इफ यू टेक दिस स्मॉल सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लस. अब मैं आपको बताता हूं कैसे करना है. अगेन अगर आप मोबाइल पे हो तो आप मोबाइल पे वो ऐप इंस्टॉल कर लो जो हमेशा टॉप ट्रेंडिंग पे रहती है एजुकेशन में, अनअकैडमी लर्निंग ऐप. इसको इंस्टॉल करने के बाद, या आप unacademy.com/plus पे भी जा सकते हो, उसके बाद प्लस पे जाओ, उस ऐप में प्लस पे जाओ, प्लस पे IIT JEE सेलेक्ट करो, IIT में JEE में गेट सब्सक्रिप्शन, और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, 1 month, 3 month, 6 months और 12 months. बच्चों मैं बताना चाहता हूं 12 मंथ को सेलेक्ट करना क्योंकि इसका पर मंथ कॉस्ट खाली 2,000 रुपए होता है, 1 month का 5,000 होता है. तो इट्स बेटर दैट यू गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन क्योंकि यहां पे आपकी पर मंथ कॉस्ट खाली 2,000 रुपीज. कैन यू इमेजिन 2,000 रुपीज पे पूरा एक्सेस ओपन हो जाता है. उसके अलावा JEE लाइव ये बहुत स्पेशल कोड है, अगर आपने ये कोड लगा दिया तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, और हमारी टीम की तरफ से, अनअकैडमी JEE टीम की तरफ से बहुत स्पेशल प्राइजेस मिलेंगे, और उसके लिए आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा @namo@unacademy.com, तो वो आपको
एक्स्ट्रा चीज हमारी तरफ से भी मिल जाएगी और इसका कॉस्ट खाली 22,500 होगा, 22,500 इसका कॉस्ट होगा। पर मंथ का कॉस्ट खाली 1800 रुपीज आएगा और एक दिन का कॉस्ट खाली 60 रुपीज आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 1। एंड बच्चों अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने काइनेमैटिक्स पढ़ी है। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के बारे में सब कुछ। कोई चीज मूव करी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, किस रेट से उसकी रफ्तार बढ़ रही है, किस रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो सब कुछ स्टडी किया है। कि अगर यहां से देखो बॉल को मैंने फेंका, एवरीवन प्लीज सी, अगर मैंने यहां से बॉल को फेंका तो बॉल ऐसे गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका डिस्टेंस ये हुआ, लेंथ ऑफ द कर्व, ओके। और फिर आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, ये सारे मोशन पैरामीटर्स होते हैं। यहां पे मोशन को स्टडी किया हमने, ओके। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, लॉज बने थे, और सबको पता है 3 लॉज आए थे न्यूटन के। सो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज, किला विजुअलाइजेशन से पहली बार हिस्ट्री में विद द बेस्ट ऑफ एजुकेशन इसको विजुलाइज करेंगे, जैसा आपने कभी नहीं किया होगा, ये मेरी गारंटी है। इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद द कॉज ऑफ मोशन, मोशन कॉज क्या करता है, ये यहाँ पे पढ़ा है ना, ये कैसे मूव करेगा, इस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स नहीं लगाओगे तो मोशन कैसे आएगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। द कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे एंड दैट इज फोर्स, फोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबको पता है हम एक लोकल में, लोकल ट्रेन में जाते हैं या एक बस में जाते हैं, और जब बस एक्सेलरेटर दबता है बस का, तो आपको पता है आप पीछे होगे, आपको पता है, फिजिक्स आपको समझ में आती है कि आपने एकदम से उसको पकड़ लेते हो, क्यों, आपको पता है कि बस आगे मूव कर रही है तो मैं पीछे जा सकता हूं, क्योंकि जब तक वो एक्सेलरेट करेगी तब तक आप फोर्स फील करोगे, है ना। कांस्टेंट स्पीड पे फिर से आप नॉर्मल हो जाओगे, आप कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अब आप चिल्ड हो बिल्कुल, है ना। एरोप्लेन में भी जब आपका टेक ऑफ हो रहा होता है तो मतलब एक्सेलरेट हो रहा है प्लेन, है ना, और फिर हवा में जाके उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, जो बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी है, बट हो गई उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट तो वो फील नहीं होता बैकवर्ड फोर्स, ठीक है। तो ये आपको यहां पे फोर्स फील होता है ना। जब आप ऐसा टर्न लेते हो या जब आप ऐसे साइकिल चलाते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप आउटवर्ड फोर्स फील करते हो, आउटवर्ड फोर्स फील, मेरी गो राउंड पे भी आउटवर्ड फोर्स फील करते हो। अब देखो ये गाड़ी है, अब एवरीवन विजुलाइज दिस, किला विजुलाइजेशन, ये गाड़ी है, ये इसने ऐसे ऐसे कर्व आया तो आउटवर्ड फोर्स फील हुआ इसको, देखो आउटवर्ड फोर्स फील हुआ इसको, रेडियली आउटवर्ड फोर्स। तो ये जो रेडियली आउटवर्ड फोर्स फील होता है गाड़ी को, रेडियली देखो, अगर आप भी गाड़ी में बैठे होते हो तो कभी कभी आप ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाते हो, अगर ये रेडियस है, अब ध्यान से सुनो, अगर ये रेडियस है तो रेडियली आउटवर्ड फोर्स फील करोगे आप, रेडियली आउटवर्ड फोर्स फील करते रहोगे, ठीक है। इस गाड़ी के साथ भी तो यही हुआ, रेडियली आउटवर्ड देखो स्किड हो गई, क्योंकि ज्यादा ही वेलोसिटी हो गई थी, है ना। अब आपने ये भी किया है, मेरी गो राउंड पे बहुत कस के पकड़ते हो, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड फोर्स यहां पे भी फील होता है, फोर्स ही है सब कुछ, देखो फोर्स ही है। अब यहां पे देखो ये बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करना, वैसे देख लो कि आपको आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो इसने गाड़ी के से इसकी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, इसकी ओमेगा बढ़ाता जा रहा है, रेडियल वेलोसिटी देखो, ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो इनको फोर्स फील हो रहा है, फोर्स फील होता जा रहा है, इतना फोर्स फील हो रहा है कि देखो एक आदमी उड़ के गिरेगा। अब देखो एक उड़ने लगा, ये ब्लू वाला, ध्यान से देखो, कभी मत करना ऐसा, है ना, बहुत तेज लग सकती है। सो एवरीवन प्लीज सी, सो एट द एंड व्हाट हैपेंस, अब ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे करो नहीं तो ये गिर जाएगा एवरीवन, बट ये अंत में गिर जाता है, ठीक है। तो हमें गिरना नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको देखो यहां पे, ये देखो पापा क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ऐसे कर रहे हैं, तो एक बच्चे ने इन्हीं को मार डाला, मतलब बेसिकली मार डाला नहीं, मतलब लग गई इनको, बिकॉज इतनी वेलोसिटी हो गई थी कि रेडियली आउटवर्ड फोर्स फील हो गया था। हम भी गिरे हैं, हमने भी खेला है, और सबको पता है कि अगेन बी वेरी केयरफुल, आगे बढ़ते हैं, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। अब ये देखो यहाँ पे, इमेजिन अ कार हिटिंग अ वॉल, एकदम से रेस्ट पे आ जाती है कार, विजुलाइज कर रहे हो, तो क्या हुआ इसके साथ, आदमी एकदम से आगे हो गया, क्योंकि एकदम से डीएक्सेलरेशन आया, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना, उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया, तो आपको फोर्स आगे, आप आगे की तरफ गए, तो जैसी गाड़ी रुकती है आप आगे की तरफ गिरते हो, पता है ना आपको, इसीलिए सीट बेल्ट लगानी होती है। सीट बेल्ट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो ये बहुत, ये जो हमारी बॉडी का ये हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होता है, तो सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स ऐसे ही होती है कि ये डिस्कनेक्ट हो जाता है यहां पे, जो स्पाइनल कॉन्टैक्ट होता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका आगे जाके सर नहीं भिड़ना चाहिए किसी चीज से, तो इसीलिए सीट बेल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आगे ओके, आई होप आप समझ रहे हो। तो यार ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सबका कॉज क्या है, ये जो सारी चीजें हो रही है, यहां पे फोर्स फील हो रहा था, यहां पे फोर्स, अब फोर्स की पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं फोर्स के बारे में, ठीक है। फोर्स क्या होता है, है ना, तो बेसिकली यार आपकी किताबों में बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट यहां पे क्या लिखा है, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल, ये पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है ना, दो टाइप के फोर्स हैं,
है ना, एंड विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो ये तब तक मूव नहीं करेगी अगर आपने इस पे फोर्स नहीं लगाया. अब आपको मैंने दूसरा केस दे दिया कि आप पता है स्पेस में चलते जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड, तो आप चलते रहोगे इनफाइनाइट तक चलते रहोगे क्योंकि आपको कोई रोक ही नहीं रहा है. रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए. तो बेसिकली या तो आप रेस्ट पे हो या आप यूनिफॉर्म मोशन में हो. अब रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है वी इज इक्वल टू जीरो. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना. तो बेसिकली फंडा ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, है ना, तो आपको फोर्स लगाना है चेंज करने के लिए, है ना. अब ये देखो, ये भी तो कांस्टेंट ही है. वेलोसिटी की कोई कांस्टेंट वैल्यू है 1, 2, 3 या 0. तो बेसिकली अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करना मतलब एक्सेलरेशन देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन और फोर्स भाई भाई होते हैं. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, भाई भाई होते हैं. तो एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है. आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि ये ऐसा है. और वैसे अगर आप देखोगे तो ये ट्विस्ट और ये सब चीजें भी होती हैं, बट उसमें मत जाओ. पुश एंड पुल, ठीक है, समझ में आ गया कि आप पुश कर रहे हो और पुल कर रहे हो, है ना. आगे देखते हैं. अब देखो ये लड़की इसको पुश कर रही है, फोर्स लगा रही है, पुशिंग फोर्स लगा रही है. तो ये ट्रॉली मूव कर रही है ना, रेस्ट से. अब ये महाशय क्या कर रहे हैं, है ना, तो ये महाशय क्या कर रहे हैं, इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं रोप से. क्योंकि रोप से तो पुल ही कर सकते हैं, रोप से पुश नहीं कर सकते ना. अगर कोई रोप है उससे पुश थोड़ी कर सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रोप है ना, अब ये रोप है इससे मैं पुश नहीं कर सकता, बट ऐसे किसी चीज को बांध के पुल जरूर कर सकता हूं. ठीक है, सीखेंगे, टेंशन फोर्स में सीखेंगे इस चीज को. आगे बढ़ते हैं. अरे यार, ये सही चीज सही टाइम पे यहां पे होती है दिखाने के लिए. चलो आगे बढ़ते हैं. सो आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग. अगर एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज हार्ट्स लगाते रहो, वहां पे बहुत अच्छा लगता है देखने में. ओके, सो एवरीवन, नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस विजुलाइज करो. टाइप्स ऑफ फोर्सेस दो टाइप के होते हैं फोर्स. एक होता है कॉन्टैक्टलेस फोर्स, जिसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. देखो लेविटेशन, यहां पे मैग्नेट है, है ना, मैग्नेटिक लेविटेशन है ये, मैग्नेटिक लेविटेशन. ओके, देयर इज नो कॉन्टैक्ट एंड यहां पे कॉन्टैक्ट है. ये है फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट. और ये क्या है? कॉन्टैक्टलेस, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट. तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज, वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड द अदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. अब सबकी फील दिलाते हैं. अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है, स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग को ऐसे दबाते हैं तो फोर्स ऐसे लगाती है, स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं तो ऐसे फोर्स लगाती है. ड्रैग फोर्स, है ना, अब देखो हवा का ड्रैग आ रहा है तो फोर्स ऐसे लग रहा है ना. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, अब मैं अगर इस फ्लोर पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगा. मैं आगे क्यों चल रहा हूं? क्योंकि फ्रिक्शन है नीचे. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, स्लिपरी होगा, तो मैं यहीं का यहां का यहीं रह जाऊंगा. समझ में आ रहा है? मतलब इस फोन पे देखो, अगर ये फ्रिक्शनलेस होगा तो मैं ऐसे ऐसे चलता रहूंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, है ना. मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूं? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, यहां पे इंटरलॉकिंग हो रही है, आगे बढ़ रहा हूं. ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? अब जैसे ये है फोन, है ना, फोन वैसे तो नीचे गिरेगा, है ना, एमजी की वजह से नीचे गिरेगा, बट मेरा हाथ उसको रोके हुए है क्योंकि जो वेट फोर्स है उसको मेरे हाथ का नॉर्मल फोर्स इस पे लग के बचा रहे. अरे यार, ये तो बच गया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट के रिपल्शन के लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां पे रख दो खुद ही, मतलब विदाउट एनी कॉन्टैक्ट फोर्स लग जाएगा दोनों पे. या तो रिपल्शन, नॉर्थ नॉर्थ करोगे तो रिपल्शन हो जाएगा, नॉर्थ साउथ करोगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब दो चार्जेस हैं यहां पे, Q1 एंड Q2, दोनों का रिपल्शन होगा, KQ1 Q2/r², पढ़ रखा है यार ये सब. अब ये देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मासेस, बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये मास 1 है और ये मास 2 है, पता है स्पेस में ये दोनों ऐसे मिल जाएंगे, स्पेस में. अभी यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, एयर फ्रिक्शन है और ये, अगर आप इनको स्पेस में ले जाओगे तो ये M1 और M2 दोनों अट्रैक्ट करेंगे. इट्स ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, Gm1 M2/r² होता है ये फोर्स, है ना. तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं. अब देखो वैसे ये अभी क्यों नहीं कर रहे अट्रैक्ट, क्योंकि ये मासेस बहुत छोटे हैं, बट ये अर्थ से अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा मास है. अब इसको फेंकूंगा, ये कहां जा रहा है? अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा मास है. तो Gm(m)/r² तो ये कंसिडरेबल हो जाता है, बट यहाँ पे ये दोनों मिलते नहीं है. ठीक है, अगर बाकी सारी चीजें हटा देंगे तो ये मिल जाएंगे. विजुलाइज करो कि अगर दो मासेज हैं स्पेस में तो वो अट्रैक्ट होते हैं और मिल जाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली ये सारे फोर्सेज हैं. अब देखो M1 और M2 को मिलाने के लिए कोई ग्रेविटेशन, मतलब अब देखो इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, खुद ही चला गया नीचे, है ना, समझ में आ गया, कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है. और चार्जेस में भी समझ में आ गया होगा यार आपको, और मैग्नेट्स में तो हमने खेला है. अगर नहीं खेला है तो खेलना स्टार्ट कर दो मैग्नेट से, बहुत मजा आता है. अपनी योर चाइल्डहुड शुड बी गुड, इट शुड नॉट जस्ट बी विद द बुक्स बट शुड बी विद ऑल दीज थिंग्स, तभी लाइफ का असली मतलब समझ में आता है. आगे बढ़ते हैं. फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर. अब बेसिकली बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं यार आप. सर फोर्स को पुश पुल बोल सकते हो, या फोर्स को बोल सकते हो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट, बट फंडामेंटली
चार टाइप के फोर्स होते हैं पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में अभी तक यही मिले, बाकी मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा जरूर से, ठीक है, इसी चैनल पे। तो एवरीवन, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, चार टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है स्ट्रांग फोर्स, एक होता है वीक फोर्स, स्ट्रांग वीक, इसको न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, इसको वीक भी कहते हैं। तो ये आपके अभी सिलेबस से बाहर है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इस पे तो साइंटिस्ट अभी भी अपनी रिसर्च कर रहे हैं। ओके, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेट वाला बताया था, चार्ज वाला बताया था, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आते हैं सारे, है ना। ग्रेविटेशनल में M1 M2 दो मासेस जो अट्रैक्ट करते हैं वो ग्रेविटेशनल में आते हैं। तो चलो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू मासेस, दो मासेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, इट्स एन इनफाइनाइट रेंज फोर्स। अगर M1 और M2 इनफाइनाइट हो गए, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो गए, तो ये फोर्स बहुत छोटा होगा, बट होगा, होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक मास यहां पे पड़ा है और एक मास जयपुर में पड़ा है उनके बीच में फोर्स होगा, एक एक बैंगलोर में पड़ा है और एक जयपुर में पड़ा है, तो दोनों मासेस के बीच में फोर्स होगा। ओके, इनफाइनाइट कर दो डिस्टेंस तो भी होगा, ठीक है, कुछ होगा, डेफिनेटली होगा, रेंज, रेंज इज इनफाइनाइट। ऐसा नहीं है कि रेंज है कोई, कोई सेट रेंज नहीं है, रेंज इज इनफाइनाइट। वैसे ही सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जैसे Q1 Q2 ले लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ले लेते हैं, Q1 Q2, अब वो बहुत दूर है या बहुत पास है, फोर्स एग्जिस्ट करेगा, करेगा नहीं तो करेगा, ठीक है। अब यार ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अब ये रेंज अब समझ में आएगी मैं क्यों बता रहा हूँ, अब आगे सुनो। न्यूक्लियर फोर्सेज में समझ में आता है ये, अब यहाँ पे ना बच्चे फंस जाते हैं, वैसे NLM में ये नहीं करेंगे तो गुस्सा, मतलब अगेन हमें बहुत गुस्सा आता है ये सब देख के, एकदम से समझ में नहीं आता तो एकदम से लगता है यार दिमाग खराब हो गया मेरा, है ना बच्चों, बट ये बहुत सिंपल है। न्यूक्लियर फोर्सेस को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे ये फोर्स तभी लगता है जब दो पार्टिकल्स बहुत पास आ जाए, मतलब 10^-15 पास आ जाए। अब यार इतना पास जनरली हमने कभी देखा नहीं है। ओके, अब ध्यान से सुनो, न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन करने का सबसे धासु तरीका, यार देखो एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, एक्चुअली आज मैं और जयंत सर ये डिस्कस कर रहे थे, पेडोगॉजी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो हमने एक बहुत अच्छी पेडोगॉजी निकाली है कि बच्चा बच्चा समझ जाएगा इसको, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स को, न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर, स्ट्रांग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रांग या न्यूक्लियर, इसको फील ही तो करना है, है ना, इसको फील ही करना है, स्ट्रांग या न्यूक्लियर फोर्स। तो यार दो चार्जेस को चिपका दूंगा, Q1 और Q2, अब ध्यान से सुनो, अगर दो चार्जेस को Q1 और Q2 को मैंने चिपका दिया तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, R0 हो गया या R tending to 0 हो गया, तो इनकी रिपल्शन फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये जो रिपल्शन इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जल्दी से बताओ, बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, जल्दी बताओ। अगर मैंने दो चार्जेस को बिल्कुल जीरो कर दिया डिस्टेंस उनके बीच का, तो बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा ना। अब बताओ न्यूक्लियस क्या होता है, अब एवरीवन एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये सब तो आपको पढ़ाया होगा केमिस्ट्री में, तो बच्चों ध्यान से देखो, जो न्यूक्लियस होता है आपका, न्यूक्लियस है ना, तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, ऐसे, है ना, ये प्रोटॉन्स बना दिए मैंने और न्यूट्रॉन्स ग्रीन में बना देता हूं, तो ये क्या है, P+N। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, बट बहुत सारे प्रोटॉन इतने पास है, इतने पास है, कितने पास है, लेस देन 10^-15 meters, इतने पास है वो, बच्चों को समझ में आ गया, तो प्रोटॉन्स इतने पास हैं, तो जब वो इतने पास होते तो एक्सप्लोड हो जाएंगे, समझ में आ गया, एक्सप्लोड क्यों नहीं होते, जब इतना ज्यादा रिपल्शन हो गया प्रोटॉन के बीच में, इतने पास हैं तो यार रिपल्शन मतलब एक्सप्लोड हो जाना चाहिए, बट वो बाइंडेड रहते हैं, क्यों, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाइंडेड रहते हैं, वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाइंडेड रहते हैं, और वो एक्टिवेट होता है जब आप बहुत पास आ जाते हो, जब दो चार्जेस बहुत पास आ जाते हैं, जब दो प्रोटॉन बहुत पास आ जाते हैं, तब वो न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट होता है। और वीक फोर्सेस पे तो अभी साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, तो ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है, इसमें वो हिग्स बोसॉन, क्वार्क और ये सारी चीजें आ जाती है, कि प्रोटॉन के अंदर भी बहुत कुछ होता है, प्रोटॉन के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उनकी पीरियोडिक टेबल होती है उन सारे पार्टिकल्स की। तो बेसिकली वीक फोर्स हम नहीं पढ़ेंगे अभी, ये उनके अंदर की बात होती है, ठीक है। तो एवरीवन यहां तक सबको समझ में आ गया, ये आपके जेई करिकुलम से भी बाहर है। ओके, सो बेसिकली जो अब ये समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपको ये समझना जरूरी है कि ये इनफाइनाइट रेंज फोर्सेस होते हैं, हम जनरली इनके बारे में ही डील करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज अ सिस्टम, सिस्टम क्या होता है अरे ये सिस्टम क्या है एवरीवन, तो सिस्टम, अब देखो यहां पे ये अर्थ है, यहां पे मंकी है, यहां पे हॉर्स है और यहां पे मैन है, तो ये चार चीजें हैं, है ना। अब मुझसे कोई पूछे कि सिस्टम क्या है, मेरे ऊपर है, मैं जो सिस्टम बोलूं वो सिस्टम है, मैं बोलता हूं कि मेरा, मैं पूरी सब चीजों को सिस्टम ले रहा हूं प्रॉब्लम के हिसाब से, मैं बोलता हूं मैन भी मेरा सिस्टम है, मंकी भी मेरा सिस्टम है, हॉर्स भी मेरा सिस्टम है,
तो बेसिकली मेरे ऊपर है कि सिस्टम मुझे क्या लेना है, ठीक है? अब मेरी बात समझो, तो बेसिकली सिस्टम कैन बी अ बॉडी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी मेरे हिसाब से। अब अगर मैं खाली मैन की बात करूं, चलो ठीक है, इस व्यक्ति की बात कर लेते हैं, मैन की बात कर लेते हैं, तो मैन पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों? मैन पे, मैन हिल नहीं रहा ना अपनी जगह से, मैन अगर अपनी जगह से नहीं हिल रहा तो मैन पे एक फोर्स लग रहा है वेट और एक लग रहा है नॉर्मल। समझ में आ गया? क्योंकि देखो जैसे मैंने अभी मोबाइल का बताया था, अब मेरा हाथ अर्थ है और ये मोबाइल है, वैसे तो ये गिरना चाहता है नीचे, बट अर्थ बोल रहा है कि गिर मत, वहीं पर रहे, है ना? तो बेसिकली इसमें दो फोर्स लग रहे हैं जो बैलेंस कर रहे हैं, जीरो फोर्सेस पे हिल नहीं रहा, जीरो फोर्सेस पे। तो बेसिकली एक फोर्स नीचे लग रहा है वेट का और एक धरती की वजह से mg ऊपर लग रहा है, सॉरी धरती की वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है? तो दो फोर्सेस लग रहे हैं। अगर मैन को एनालाइज करना है, अगर मैन मेरा सिस्टम होगा तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर, बट मैं ऐसे बोलूंगा कि यार इस सिस्टम को मैंने ऐसे एनालाइज किया। अब यार अगर मुझे सब कुछ सिस्टम में लेना है तो मैं कैसे एनालाइज करूंगा? देखो ध्यान से, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। तो मैं बोलूंगा ये मेरा अर्थ है ना, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है और ये तीसरी बॉडी है, ओके, ये तीनों। अब ये पूरा सिस्टम ले लिया मैंने, एंटायर सिस्टम। सिस्टम को समझने के लिए इसमें दो तीन चीजें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। तो बेसिकली इन दोनों मासेस में, ये एक मास है, एक मास है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, दो फोर्सेज लगेंगे ना दोनों के बीच में, है ना, ये और ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये बड़ा मास है अर्थ और ये फोर्स लग रहा है, ये इंटरनल फोर्सेज है। ध्यान से देखो, इसमें भी एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा इस बॉडी में, अब ध्यान से देखो इस बॉडी में और अर्थ में भी ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, ओके। अब इस बॉडी की बात करें, अगर इस बॉडी की बात करें तो ऐसे और ऐसे भी फोर्स लग रहा होगा। तो बेसिकली एंटायर सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्सेज है सारे। समझ में आ गया? चलो आपको समझ में आ रहा है ना? अब जैसे मैं, तो ये दोनों चीजें रिलेटेड है सिस्टम, अगर सिस्टम के अंदर की बात करें इंटरनल फोर्सेस, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली में इंटरनल लड़ाई हो रही है, ठीक है, बाहर से कोई आएगा मार डालेंगे, मतलब अगेन ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक मी सीरियसली, ठीक है? सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, है ना? अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको यार हम बाद में सीखेंगे, जब प्रॉब्लम्स आएंगी तब समझेंगे इस चीज को, तो पहले इसकी थ्योरी समझ लो, ये सब आपके नोट्स में आएगा। इमेजिन दीज थ्री बींग्स, ये तीन लिविंग बींग्स स्टैंडिंग ऑन अर्थ, ओके, वी कैन अज्यूम एनी वन बॉडी टू बी आर सिस्टम और द एंटायर थिंग टू बी आर सिस्टम, ठीक है? अपन पे है कि यार खाली मैन को ले लो, मैन या मंकी को ले लो या अर्थ को ले लो, तुम्हारे पे है कि तुम्हें सिस्टम क्या लेना है। तुम पे है कि मैं मैन और मंकी को भी ले सकता हूँ, मैं सब कुछ को भी ले सकता हूँ, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, है ना? अब फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में कोई मुझे बता सकता है सिस्टम क्या है? यहाँ पे मास है M1, स्ट्रिंग M2, इसमें सिस्टम क्या है? जल्दी से बता दो सिस्टम क्या है, M1 सिस्टम है, M2 सिस्टम है, क्या है? कुछ नहीं है सिस्टम, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या लेना चाहते हो। मैं बोल सकता हूँ मुझे खाली M2 सिस्टम लेना है, आप बोल सकते हो नहीं यार मुझे M1 प्लस M2 सिस्टम लेना है, तुम पे है व्हाट यू वांट टू टेक, इट्स अप टू यू, यहाँ पे लिख रहा हूँ इट्स अप टू यू और द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को मल्टीपल वे से सॉल्व कर सकते हैं, अभी तक ये समझो, ठीक है? द आंसर इज क्लियर, ओके, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, ओके, समझ गए इस चीज को कि तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें सिस्टम क्या लेना है, जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो समझेंगे। अभी इसको लाइट लो, ठीक है? अब यहां पे देखो, है ना, अब एवरीवन प्लीज सी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ये फैमिली है, ये दुश्मन है, एनिमी, ये एक्सटर्नल एजेंट है, लाल वाला। अब देखो समझो, ये सारे के सारे इंटरनल है। अगर मैं बोलता कि सारे के सारे इंटरनल है, अब मेरा सिस्टम अगर ये है, अगर मैं बोल देता ये पूरा मेरा सिस्टम है, तो तुम बोलते ओके यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एफ, यहाँ पे ये भी फोर्स लगा रहा है एफ, कहीं नहीं जा पा रहे दोनों, ये एफ लगा रहा है, ये भी एफ लगा रहा है, कहीं नहीं जा रहे, नेट फोर्स तो जीरो है, कोई कहीं नहीं जा रहा, पूरा सिस्टम एज इट इज यहीं पर है, ठीक है, नेट फोर्स इज जीरो। बट अगर मैं बोलूं ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि भाई अगर ये रस्सी, ये आदमी, ये चार आदमी और ये रस्सी, मतलब ये चार आदमी की जगह एक बाहुबली समझ लो, है ना, ये एक बाहुबली है और ये रस्सी भी तुम्हारे सिस्टम में है, रस्सी को भी सिस्टम में ले सकते हो तुम, है ना? तो बेसिकली अब देखो लाल वाला यहाँ पे, तो लाल वाला कितना फोर्स लगा रहा है, ध्यान से देखो, लाल वाला खींचने की कोशिश कर रहा है ना इधर, है ना, तो लाल वाला फोर्स लगा रहा है एफ, ये भी फोर्स लगा रहे हैं एफ। अब रस्सी का एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, रस्सी भी, अब देखो जब तुम रस्सी को, ध्यान से समझना, जब मैंने रस्सी को ऐसे खींचा तो मेरा एक हाथ यहां खींच रहा है, एक हाथ यहां खींच रहा है, तो यार क्या हो रहा है, यहां पे एक फोर्स लगा, यहां पे एक फोर्स लगा, तो बेसिकली नेट फोर्स तो जीरो है ना, बट यार
स्ट्रिंग में टेंशन आ गई है, टेंशन आ गई है, तो ये वाला हाथ इस तरफ फोर्स लगा रहा है, बट ये टेंशन भी उसको जीरो कर रही है, टेंशन भी तो जीरो कर रही है। अगर खाली इस हाथ को देखा जाए, देखो इस हाथ को देखना है ना, अगर मैं ऐसे एफ लगा रहा हूं तो ये स्ट्रिंग बोलती है कि मैं भी टी लगा दूंगी सेम एफ के बराबर, कि मैं तुझे मैं इस हाथ को मूव नहीं करने दूंगी। तो बेसिकली यहाँ पे एक टेंशन फोर्स भी लग जाएगा, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, तो ये टी टी एफ एफ है ना। तो अगर आप देखोगे कि यार इस पे क्या फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, है ना, अगर आप पूरे इस सिस्टम पे देखना चाहते हो कि इस पे फोर्स क्या लग रहा है, तो आप एनालाइज कर सकते हो सेपरेटली, ठीक है। अभी वैसे डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि जब तक मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं समझाता हूँ, ये सब समझाने की जरूरत नहीं 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 पड़नी चाहिए। बट आपको ये समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, इट डिपेंड्स, अगर ये आपका सिस्टम है तो ये आपका एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, जो ये फोर्स लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस, और विथ प्रॉब्लम्स मैं आपको ये समझाऊंगा, ये आपके नोट्स के लिए ही दिया है, अभी आगे इसमें हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। बच्चों 500 लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ओके लेट्स एम फॉर 1000 लाइक्स बिफोर दिस क्लास एंड्स। ओके बच्चों मजा आ रहा है तो डेफिनेटली चैट में कुछ, आई वॉन्ट टू सी सम इमोजीज हियर। ओके अब देखो ये पढ़ लेना, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स खुद से पढ़ लेना, क्योंकि ये हम प्रॉब्लम जब आएंगी तब हम देखेंगे इनको। अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यार, रेफरेंस फ्रेम, कि भाई अगर मैं ट्रेन में चल रहा हूँ, है ना, ट्रेन में तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तो मैं बोलूंगा मैं रेस्ट पे हूँ, मैं बोलूंगा तू भी रेस्ट पे, तू भी मेरे बाजू में बैठा है, तू भी रेस्ट पे, हम दोनों रेस्ट पे, बट एक्चुअली हमारा दिमाग को पता है कि हम दोनों मूव कर रहे हैं, बट हम ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारी आंख हमेशा रेस्ट पे, ध्यान से देखो, वी आर ऑलवेज एट रेस्ट। हम बोलेंगे पेड़ पीछे जा रहा है, पागलों की तरह बात करेंगे, पेड़ पीछे जा रहा है ना, पटरी पीछे जा रही है, सो दैट्स व्हाट वी डू। अब जैसे देखो, अब ये बंदा, ये जो यहां पे चिल आउट कर रहा है, ये बंदा क्या बोलेगा, ये बंदा बोलेगा गाड़ी 100 मीटर्स पर सेकेंड, बहुत ज्यादा स्पीड होती है तो ये गाड़ी 100 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, ओके गाड़ी वाला क्या बोलेगा, गाड़ी वाला बोलेगा मैं रेस्ट पे हूं, गाड़ी भी रेस्ट पे है, धरती पीछे जा रही है, ये बंदा भी पीछे जा रहा है 100 से, तो ये बंदा बोलेगा कि गाड़ी की स्पीड इज 100 आई कैप, ये बंदा बोलेगा कि वो बंदा पीछे जा रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा, वो बंदा जा रहा है पीछे विथ 100 आई कैप, -100 आई कैप, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो मैं यहां पर खड़ा हूं, ओके अब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, जहां से आप चीजों को एनालाइज करते हो, किन चीजों को एनालाइज करते हो, इन चीजों को एनालाइज करते हो, मोशन पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, अभी ये वेलोसिटी की बात कर रहे थे, एक्सेलरेशन की भी कर सकते थे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो इट इज द रीजन फ्रॉम वेयर योर, जहां पे तुम्हारी आंख है, इट्स द रीजन फ्रॉम वेयर यू ऑब्जर्व द मोशन पैरामीटर्स ऑफ अ बॉडी। अब जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, आई एम द ऑब्जर्वर, मैं बोलता हूं ओके यू नो व्हाट, ट्रेन इज कमिंग विद 10 मीटर्स पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बिल्कुल बिंदास। अब मैं ऊपर, यहाँ पे क्या चल रहा है, छैया चल रहा है, ठीक है। तो अगेन, वैसे बाय द वे गाइस, अ फन फैक्ट, जो जीतू भैया हैं हमारे कोटा फैक्ट्री के, उनका फेवरेट गाना है छैया छैया, उन्होंने डांस किया था जिस दिन हम मिले थे उनसे, तो उन्होंने डांस भी किया था, हम सब ने डांस किया था छैया छैया पे। तो अगेन, सो एवरीवन प्लीज सी दिस, दिस इज अ ट्रेन। अब तुम ट्रेन पे हो, तुम क्या बोलोगे, ट्रेन रेस्ट पे है, तुम रेस्ट पे हो, सब कुछ पीछे जा रहा है, ठीक है, ये पेड़ पीछे जा रहा है, ये मतलब अगर ट्रेन आगे 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तुम बोलोगे ये सब कुछ 100 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। सो दिस इज हाउ यू मेक ऑब्जर्वेशंस। आगे बढ़ते हैं, ओके यस आई एक्सप्लेन दिस, ये अभी भी समझाना फिर से जरूरी है। इनर्शियल, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, दो टाइप के होते हैं रेफरेंस फ्रेम, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अब ये यार, इसको ना ज्यादा लोड मत लो, ये वर्ड थोड़ा टफ लगता है सुनने में, इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल क्या होता है, ये क्या बकवास चल रही है, समझो। इनर्शियल होता है वो रेफरेंस फ्रेम जो रेस्ट पे होता है ना। अब समझो, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो होता है जिसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है, और ये होता है एक्सेलरेटिंग, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, मतलब ये रेस्ट पे भी हो सकता है, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये गाड़ी है, ये गाड़ी एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, मैंने ऊपर फेंका, ये नीचे आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रही होती तो भी गाड़ी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ही रहती। देखो यहाँ पे गाड़ी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो ये जो था बॉल की भी कांस्टेंट इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। वैसे ये इररिलेवेंट चीज है बहुत यहाँ पे, बस इतना समझो, जो रेफरेंस फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है
कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलता है या रेस्ट पे हो वो इनर्शियल है. अगर एक्सेलरेशन हो गया तो सूडो फोर्स और ये सब लग जाते हैं, राइट. अगर अगेन वो उस पर अभी नहीं आएंगे हम, ओके. अगर कोई चीज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है या एक्सेलरेट कर रही है या उसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है तो वो हो गया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. ठीक है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. ठीक है, समझ में आ गया. एंड एक्सेलरेटिंग इफ इट इज एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर या जो भी है, समझ जाओ. अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा केस है. अगर एक गाड़ी है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो ये बंदा तुम्हारा क्या है, दिस गाय इज एट रेस्ट, ही इज अ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. इवन द गाय इनसाइड, ये भी एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे, दोनों इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे, इनर्शियल रेफरेंस रेफरेंस फ्रेम, इनिशियल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, सॉरी आई वॉज स्लरिंग. ओके, कंसिडर अ पैसेंजर इनसाइड अ कार विदाउट मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. तो बेसिकली ये आपकी थ्योरी के लिए, इससे आपके फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. बस इतना सा ध्यान रखना, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो होता है वो जो या तो रेस्ट पे हो या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो. ठीक है, अब अगर गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, ध्यान से समझो, अब अगर गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है और आप गाड़ी के अंदर हो, इफ यू आर गाड़ी के अंदर, सो दिस गाड़ी विल बिकम अ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग. गाड़ी एक्सेलरेटर दबा रखा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है. इसको तब समझेंगे जब सूडो फोर्स और ये सब चीजें आ जाएंगी, तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. बस इतना सा समझो, इफ यू आर एनालाइजिंग एनीथिंग फ्रॉम एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम देन यू आर ऑन अ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. ठीक है, अनएक्सेलरेटेड इज इनर्शियल, एक्सेलरेटेड इज नॉन, मतलब अनएक्सेलरेटेड मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है ही नहीं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रहेगी. ठीक है, अब हम विजुलाइज करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लाइक नेवर बिफोर. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, ये फोर्स को डिफाइन करता है क्वालिटेटिवली. क्वांटिटेटिवली सेकेंड लॉ होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए. ठीक है, और थर्ड लॉ बोलता है कि हर फोर्स का जोड़ा होता है. तीनों लॉ बड़े सिंपल है यार. अब देखो ये इमेज देखो, एक बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगी अगर कोई फोर्स नहीं लगाओगे. एक बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं, सब कुछ स्मूद है, ये वी से चलती जा रही 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 है, ये चलती रहेगी अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. सो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू डू कंटिन्यू टू स्टे एट रेस्ट. इफ इट इज एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट विल कंटिन्यू, दे बोथ विल कंटिन्यू अनटिल यू एड एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. समझो मैंने क्यों बताया अनबैलेंस्ड क्यों बोला, मैं समझाता हूँ आपको अनबैलेंस्ड क्यों है. अब जैसे देखो ये इस पर कोई फोर्स, अब ये देखो इस मोबाइल पर मैं दो फोर्स लगा रहा हूँ बैलेंस्ड, यहाँ से 10 न्यूटन यहाँ से 10 न्यूटन, देखो 10 और 10 लगा रहा हूँ मैं, बहुत तेज 10 और 10 लगा रहा हूँ, बट ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि बैलेंस हो गया ना, मर गए दोनों फोर्सेस, तो दिया बैलेंस्ड फोर्सेस. इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया है अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, इफ देर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स. अब ये बैलेंस्ड है, नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, इट इज एट रेस्ट. दो फोर्स लग रहे हैं स्टिल इट इज एट रेस्ट, है ना. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दो फोर्स लग रहे हैं, धरती पे पड़ा है तो एक mg लग रहा है और एक नॉर्मल लग रहा है, दो फोर्स हैं तभी भी रेस्ट पे है ना, तो फोर्स लग रहा है तो भी रेस्ट पे, तो आपको बोलना पड़ता है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, तो अ बॉडी विल कंटिन्यू टू स्टे एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता जा रहा है. ठीक है, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टेड ऑन द बॉडी. तो बच्चों आपको पता है बहुत सारे बच्चे 10th तक भी सीबीएसई में तो शायद अनबैलेंस नहीं होता है बट आईसीएसई में होता है. ठीक है, तो इस चीज को रट लेते थे बट आई थिंक आपको अब समझ में आ गया कि अनबैलेंस्ड क्यों बोलना जरूरी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके एवरीवन प्लीज सी दिस. ओके, तो ये वही चीज लिखी है यहाँ पे, तो ये आपके नोट्स के लिए, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी अगर रेस्ट पे है या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है तो चलता रहेगा, है ना, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स या एक फोर्स आके एक्ट करे उस पर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, अब जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है, लेजीनेस, कुछ नहीं करना है, अगर मैं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे रहूंगा, अगर मैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा हूं तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे चलता रहूंगा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. अब ये देखो ये कॉइन है, ये कॉइन आलसी है, तुमने क्या किया, इस पेपर को हटा दिया, पेपर को तो हटाया तुमने फोर्सफुली, कॉइन को टच नहीं किया तुमने, तो कॉइन उसके साथ नहीं हिलेगा इमीडिएटली. अगर तुम इम्पल्सिवली इसको ऐसे हटाते हो पेपर को तो कॉइन नीचे ही गिर जाता है, कॉइन नीचे ही गिर जाता है डायरेक्टली अंदर, है ना. अब अगर आपको इसको किलर विजुलाइजेशन चाहिए इसके लिए तो इसको एनालाइज करो, ये अंडा पड़ा है ऊपर,
है ना, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट नॉन वेजिटेरियन बच्चों के लिए, ये देख लो ये अंडा है यहाँ पे और ये नीचे गिर जाता है, ठीक है, बिकॉज इट वॉज एट रेस्ट, इट वॉन्ट्स टू बी एट रेस्ट. सो दिस अंडा वॉज एट रेस्ट, आपने क्या किया, इसको ऐसे हटाया तो ये नीचे नीचे चला गया, ये इसके साथ नहीं गिरा, ये इसके अंदर ही गिरा. सो दिस इज अ किलर विजुअलाइजेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट. ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो घर पे, अंडे वेस्ट होंगे बस, है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, तो एवरी वन प्लीज सी दिस. तो अब ये इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ईच एंड एवरी बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी, ईच एंड एवरी बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट टू चेंज. बट बच्चों चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एवरी डे वी शुड चेंज. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ. आज मैं आपको NLM पढ़ा रहा हूँ, आज मैंने अपना सारा कॉन्टेंट चेंज कर दिया, आई मेड इट बेटर, कि यार आपको बेटर बेस्ट चीज़ दूँ. एवरी टाइम आई टेक NLM एवरी ईयर I change, I make it better, better and better. तो किलर विजुअलाइजेशन बहुत सारे हैं आज, क्योंकि पिछली बार नहीं थे क्योंकि उतना टाइम नहीं था. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू चेंज एंड इम्प्रूव. तो बेसिकली इनर्शिया आपका दुश्मन होना चाहिए, ठीक है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया. ओके, द रेजिस्टेंस टू चेंज, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा. मतलब अब देखो एक हाथ ही चल रहा है तो वो चलता रहेगा. ओके, अब उसको रोकना मुश्किल है. अगर एक छोटा सा फेदर ऐसे फ्लो कर रहा है, फेदर का मास ही कुछ नहीं होता, तो इनर्शिया, मास एंड इनर्शिया, अगर जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया. तो मास एंड इनर्शिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, ठीक है. डोंट टीज योर फैट फ्रेंड्स आउट देयर, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना. मैं भी एक टाइम पे बहुत मोटा था बच्चों, है ना, एक पॉइंट पे, लेट मी टेल यू, व्हेन आई वाज इन कॉलेज एक पॉइंट आया था जब मैं 85 kg हो गया था. देन आई वेंट अंडरवेंट एन अ ड्रामेटिक वेट लॉस, मैंने काफी कुछ किया था अपने वेट को इंप्रूव करने के लिए, इनर्शिया को कम करने के लिए, ठीक है. चलो, तो मैंने बैडमिंटन खेला था, मैंने गाजर मूली सब कुछ खाया था, ऑल नेगेटिव कैलोरी फूड्स एंड एवरीथिंग. तो वो तब समझ में आता है जब आपकी ग्रोइंग एज खत्म हो जाती है. चलो, लेट्स नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक. अब यहाँ पे देखो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. अब देखो कैसे लॉ ऑफ इनर्शिया है यार, देखो ये रेस्ट पे रहना चाहती है, ये मूव कर रही है, मूव करते रहना चाहती है, ठीक है. सो अगेन, ये मूव कर रही है, ये मूव करते रहना चाहती है, समझ लो मेरी बात, ये मूव कर रही है, ये मूव करते रहना चाहती है, और ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे रहना चाहती है, यही तो लॉ ऑफ इनर्शिया है. अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ओके, आप भी तभी पढ़ते हो जब एक्सटर्नल फोर्स, पापा का एक्सटर्नल फोर्स या मम्मी का एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, उससे बड़ा एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, दोस्तों ने पढ़ लिया, अब तुम पीछे रह गए, ठीक है. सो अगेन अंडरस्टैंड दिस. अब यहां पे देखो, लीनियर मोमेंटम को विजुअलाइज करते हैं. ये साइक्लिस्ट है यहां पे, ये भाई साहब चला रहे हैं वेलोसिटी वी से. ओके, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ये रहा वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर. मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर. लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, पी, ये भी एक वेक्टर होता है. ओके, अगर ये पूरा मास एम है, अगर ये पूरा, इस पूरे चीज का मास एम है और ये वेलोसिटी वी से चल रहा है, तो ये होगा एम इंटू वी. समझ में आ गया. अब अगर m2 है तो ये दो गुना बड़ा वेक्टर होगा, समझ में आ गया. तो ये देखो दोनों भाई भाई होते हैं, p और v. जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज जस्ट अ नंबर, ये एक स्केलर है. तो समझ में आ गया, अगर ये 2 होगा तो बेसिकली मोमेंटम विल बी ट्वाइस एज बिग एज वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी इतना बड़ा है 2 का, मतलब वेलोसिटी अगर ऐसा है, तो अगर मास 2 होगा तो p इतना बड़ा होगा वेक्टर. तो p वेक्टर इज ऑल्सो हियर, समझ में आ गया. दिस इज पी वैक्टर, दिस इज वी वैक्टर. ये वैक्टर वी है, ये पी वैक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, भाई भाई होते हैं, ठीक है. इज इक्व टू एम बाई एम वी. अगर एम इज इक्व टू 1 हो जाएगा तो दोनों वैक्टर्स बेसिकली इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, यूनिट सेम नहीं रहेगा, इक्वल लेंथ के हो जाएंगे. ओके, लीनियर मोमेंटम. सो लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ऐसे समझो, बड़ा मास और बड़ी वेलोसिटी, बहुत हाई मोमेंटम है, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत बड़ी मैसिव सी चीज़ बहुत तेज चल रही है, बहुत अमेजिंग मोमेंटम है, ठीक है. मास इनटू वेलोसिटी. ओके, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, दिख गया यार वेक्टर क्वांटिटी है. एम वी इसका मैग्नीट्यूड होता है ना. पी इज इक्वल्स टू एम वी, एम वी इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है. डायरेक्शन इज ऑल्सो अलॉन्ग द वेलोसिटी, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, भाई भाई, ठीक है. एम वी, SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज kg मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि दिस इज kg, दिस इज मीटर्स पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है. अब यार इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम, ये मैंने आपको बेसिक मैथ्स में दिखाया था. अब यार ये देखो, दोनों हमेशा सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं. अगर इस चेंबर में वैक्यूम है तो दोनों सेम वेलोसिटी से हिट करते हैं, बहुत तेज हिट कर रहे हैं. बट यार अगर आपने फेदर के आगे, इसको फेदर को रोक सकते हो आप, इसको नहीं रोक सकते. ये देखो तोड़ देता है, इसको तोड़ देता है ये, इस डब्बे को देखो, डब्बा टूटेगा,
डब्बा टूटा, डब्बा टूटा. सोचो, यू कैन नॉट स्टॉप समथिंग विथ हाई मोमेंटम, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस. अगर कोई बोल रहा है बहुत हाई मोमेंटम है, नहीं रोक पाओगे. ओके, तो बच्चों अपना मोमेंटम भी इतना तेज करो कि आपको कोई ना रोक पाए, कोई एग्जाम नहीं रोक पाए. ओके, आई होप यू गाइस आर लविंग इट. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, इफ वी ड्रॉप टू बॉडीज, वन लाइट एंड वन हैवी फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर लाइक दिस, देन व्हाट हैपेंस, एंड दे बोथ विल हैव द सेम वेलोसिटी बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो क्या होगा, बट यू कैन स्टॉप द लेसर मोमेंटम एंड नॉट द हायर मोमेंटम. ठीक है, ट्रक को मत रोकना. ओके, साइकिल को तो फिर भी रोक सकते हो. हाँ, साइकिल है, रोक देता हूँ, है ना. ट्रक को रोकोगे इट्स नॉट गुड. ठीक है, चलो आगे. बेसिक फोर्सेस, तो बेसिक फोर्सेस को आप डिटेल में डिस्कस करते हैं, फील करते हैं. तो एक होता है वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, है ना. अब अगर ये मास है एम, अब ध्यान से देखो, इसका मास है एम, एवरीवन इसका मास है एम. ओके, और अर्थ का भी बहुत बड़ा मास है, तो एवरीथिंग गेट्स अट्रैक्टेड टू द अर्थ बिकॉज इट इज मैसिव, इट इज मैसिव. ठीक है, इट इज मैसिव. तो अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ बस, तो बेसिकली नीचे जाता है, हर चीज नीचे जाती है. अब इसको मैं फेंकता हूँ, ये भी नीचे चला जाएगा. क्यों? क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है, मास ऑफ दिस बॉडी इंटू ग्रेविटी. मतलब अगर इसका मास 1 kg है तो 1 kg इंटू ग्रेविटी, 9.8 न्यूटन लग जाएगा इसमें. ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वेट ऑफ द बॉडी इज मास इंटू ग्रेविटी, है ना. उसके अलावा नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स. अब ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं, पहले आते हैं वेट फोर्स पे. हर मास पे एक फोर्स लगेगा. अब देखो, ये जो स्क्रीन है ना, ये जमीन है, अर्थ है ना, ये अर्थ है. ये मत सोचना कि अर्थ ऐसे है तो mg ऐसे लगेगा, समझ में आ रहा है. तो अगर ये मास है तो ये मास का mg ऐसे लगेगा. मास ऑफ द बॉडी mkgs, mkgs, और ये mg फोर्स होता है, और इस फोर्स को वेट फोर्स भी कहते हैं. तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा वेट क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, 720 न्यूटन. आई विल नॉट से 72 kgs, आई विल से 720 न्यूटन. वैसे बढ़ गया होगा बच्चों, अनअकैडमी में आने के बाद थोड़ा बढ़ गया है डेफिनेटली, क्योंकि आपके लिए काफी बैठे हैं हम, बट यहां पे एनर्जी बर्न करेंगे ऑन दिस फ्लोर. चलो ठीक है, आगे बढ़े, तो थोड़ी एनर्जी कंज्यूम की जाए. एवरीवन, दिस इज mg, वेट इज इक्वल्स टू mg, मास इंटू ग्रेविटी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. तो देखो, एप्पल ऐसे तो गिरा था, एप्पल ऐसे तो गिरा था, एप्पल था ऐसे, मास था उसका एप्पल का, वो गिरा, तो न्यूटन ने भी सोचा कि क्यों गिरा, क्या फोर्स था, ये एम है, वो भी एम है. ओके, अर्थ मास बहुत बहुत मैसिव है, तो ये नीचे, हर चीज नीचे क्यों गिरती है, और ये सब, तो ये इस फोर्स की वजह से गिरती है, वेट फोर्स की वजह से. अगर मास है, किसी भी चीज में मास है, मास नहीं होगा तो फ्लोट करेगा, मासलेस है. मासलेस तो वैसे कुछ हो ही नहीं सकता है, न्यूट्रॉन का भी वेट होता है, प्रोटॉन का भी वेट होता है, एटम का भी होता है. ठीक है, तो अगेन मैग्नीट्यूड इज एम जी. ठीक है, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, और इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ. तो अगर ये देखो, ये अर्थ है, ये बहुत ही मैसिव है. ठीक है, कैपिटल एम, और यहाँ पे तुम्हारा एप्पल है, यहाँ पे तुम्हारा पेड़ उग रहा है. देखो ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा पेड़ है, और अगर तुम्हारा एप्पल यहाँ पे है, क्योंकि हर कोई इक्वेटर पे तो नहीं, मतलब बेसिकली ऊपर नहीं रहता, तो ये तुम्हारा एप्पल है. ठीक है, तो अगर एप्पल कटता है तो ये यहाँ पे गिरता है. ठीक है, यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, क्योंकि एम जी टुवर्ड्स द सेंटर लगता है. अब देखो, अब यहाँ पे एम जी फोर्स ड्रॉ करो. अब ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर यहाँ पे, तो यार ये एम जी होता क्या है, दो मास के बीच में. बच्चों ध्यान से सुनो, अगर ये मास एम है अर्थ का, और इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो ये तो बहुत ही तुच्छ मास है, बहुत छोटा सा मास है, पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लो, अर्थ तो बहुत बड़ा है. तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा, और वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स कुछ ऐसा होगा. देखो यहाँ पे, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों जैसे मैंने बताया था ना, दो मासेस अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही ये दोनों मासेस अट्रैक्ट कर रहे हैं. बट यार ये तो इतना बड़ा है, इस पे ये फोर्स कुछ नहीं करेगा. जैसे हाथी पे तुमने पूरा दम लगा दिया, हाथी नहीं हिल रहा है, बट मैंने ये बॉटल पे लगाया, बॉटल उड़ती भी जाएगी. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये देखो, ये एम है, और ये फोर्स क्या होता है, ये एम जी होता है. ये सेम एम जी यहाँ पे भी लगता है. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यही, अब ये चीज क्या होती है, अब ध्यान से सुनो, एम जी इज ऑल्सो इक्वल टू जो फोर्स इनके बीच में होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. फंडामेंटल दो मासेस के बीच का फोर्स होता है ना, इसको ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, तो अभी कंफ्यूज मत होना. ठीक है, दोनों सेम होती हैं चीज़ें. ठीक है, दोनों सेम होती है. बेसिकली इस कॉन्स्टेंट को ना हम जी बोलते हैं, इस कॉन्स्टेंट को ही हम जी बोलते हैं, या बाद में पढ़ोगे. ओके, जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ को हम जी बोलते हैं. इसकी वैल्यू आती है 9.81. इसको हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, मैंने आपको जल्दी बता दिया. अब यहाँ पे जल्दी से बच्चों, यहाँ पे अगर ये जमीन है, ये जमीन है, इसके नीचे अर्थ है, अर्थ का सेंटर इसके नीचे ही है. अब जल्दी से बताओ, mg मार्क करो जल्दी से, क्विकली, ये थोड़ी क्विक एक्सरसाइज है. mg मार्क करो, mg मार्क हो गया, यहाँ पे mg मार्क हो गया. ओके, यहाँ पे mg मार्क हो गया, यहाँ पे mg मार्क हो गया, खाली mg मार्क करना था.
ठीक है, एम जी मार्क हो गया। अब नॉर्मल फोर्स समझते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या है भाई, नॉर्मल फोर्स क्या है? अब नॉर्मल फोर्स एक्चुअली उतना नॉर्मल नहीं है जितना, मतलब इतना आसानी से समझ में नहीं आता कि ये डब्बा है, ये मेरा हाथ टेबल है, मेरा हाथ टेबल है, ठीक है, मेरा हाथ टेबल है, टेबल हटाऊंगा ये फोन नीचे गिरेगा। बेसिकली ये फोन पे एम जी लग रहा है और मेरी हाथ की वजह से एक पुल, मतलब पुश बेस्ड फोर्स लग रहा है। नॉर्मल कभी भी पुल नहीं कर सकता, नॉर्मल हमेशा पुश करता है। तो अब देखो एम जी इस पे नीचे लग रहा है बट ये यहाँ पे क्यों टिका हुआ है, क्योंकि मेरे हाथ की वजह से एक और नॉर्मल लग रहा है उसके बराबर, उसके बराबर। अभी इसका फोर्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका वेट है, उसके वेट के बराबर नॉर्मल लग रहा है, इसीलिए रेस्ट पे है। तो समझ में आ गया, अगर इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है एम जी, है ना, तो ये जो सरफेस है, सरफेस बोलेगी कि भाई नॉर्मल भी लगा दूंगी मैं, है ना। तो सरफेस क्या बोलेगी, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी। इसीलिए देखो एम जी लग रहा है, ये मास है ना, देखो नीचे नीचे गिर रहा है तो एम जी तो लग ही रहा है इस पे, बट अभी ये देखो मेरी मेरी उंगलियों की वजह से नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है ऊपर, ठीक है, जो उसको बैलेंस कर रहा है। तो नॉर्मल इनफाइनाइट होता है, जितना तुम उसको पुश करोगे। अब अगर मैं उसको एक्स्ट्रा फोर्स दे देता हूँ, चलो एक्स्ट्रा फोर्स से पुश कर रहा हूँ 10 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्लस 10 हो जाएगा। डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, क्योंकि कहीं नहीं जा रहा है, टेबल पे ही है, तुमने ज्यादा फोर्स लगाया तो इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे आगे बढ़े। ओके, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। नाउ दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब यार ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो बेसिकली टेंशन फोर्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉर्मल फोर्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि बेसिकली ये रिपल्शन की वजह से होता है ना। अब इसको समझते हैं, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट कम्स इनटू एक्शन व्हेन टू बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट, इट्स अ कॉन्टैक्ट बेस्ड फोर्स। अगर तुमने छुआ ही नहीं किसी चीज को, अब जैसे मैंने इस मोबाइल को छुआ तो कॉन्टैक्ट हुआ तो ही फोर्स आया, अगर कॉन्टैक्ट नहीं होता तो गायब, नॉर्मल। तो बेसिकली नॉर्मल फोर्स बिकम जीरो इफ द कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट, ठीक है। तो अब देखो कॉन्टैक्ट, तो बेसिकली इट इज द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ द टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट। तो मेरे हाथ में कुछ एटम्स हैं, है ना, मतलब ये एटम से तो बनता है हर चीज, है ना, इसमें भी कुछ एटम्स है, तो बेसिकली उनके बीच का इंटरैक्शन फोर्स है। ये बोल रहा है, ये मटेरियल बोल रहा है मेरे हाथ का कि मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, दीवार दीवार पे तुम सर मारोगे तो बेसिकली नॉर्मली तो लगेगा, है ना, मतलब वो तो वैसे इंपल्स लगता है, बट आई होप यू आर गेटिंग द फील ऑफ इट, पूरी फील आपको आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये बॉडी यहाँ पे है तो ये नॉर्मल सरफेस ऐसे है, तो नॉर्मल हमेशा नॉर्मल, नॉर्मल परपेंडिकुलर भी होता है, इसका मतलब नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर भी होता है, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलरली लगता है सरफेस के। तो अब देखो यार यहाँ पे, अब यार अगर यहाँ पे मैंने ऐसे रखा है ना, किसी चीज़ को ऐसे पुश कर रहा हूँ, तो नॉर्मल फोर्स तो ऐसे लगेगा ना, ऐसे लगेगा परपेंडिकुलरली, फील करो उस चीज़ को। तो अगर ये मास है एम जी ऐसे लग रहा है, तो नॉर्मल विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सर्फेस, क्योंकि ये सर्फेस ऐसे पुश करेगी, इसे पुश करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यार अब आपको ये पता है कि भीड़ में अगर आपको कोई ऐसे डेलिबरेटली खींच नहीं रहा है, ऐसे पकड़ के खींच नहीं रहा है, तो वो खाली पुश कर सकता है, ठीक है, बिना पकड़े आप तो पुश कर ही नहीं सकते हो, तो खाली कॉन्टैक्ट से हमेशा पुश पुश होता है। सो दिस इज अ पुश बेस्ड फोर्स, ओके, नॉर्मल इज अ पुश बेस्ड फोर्स, समझो इस चीज को, फील करो, इट इज ऑलवेज अ पुश बेस्ड फोर्स, यहाँ पे पुशिंग भी लिखा है ना, और मैग्नीट्यूड इज सेल्फ एडजस्टिंग, मैग्नीट्यूड इज सेल्फ एडजस्टिंग, क्योंकि अगर अब देखो अगर मैंने इस पर ज्यादा फोर्स लगा दिया तो भी मोबाइल यहीं पर है, एम जी, पहले नॉर्मल क्या था, एम जी के बराबर, अब मैं 10 न्यूटन और लगा रहा हूँ तो भी मोबाइल यहीं पर है, क्योंकि मेरे हाथ ने एक्स्ट्रा नॉर्मल लगा लिया, बोला तू और फोर्स लगाया मैं भी लगा दूंगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस द हैंड ब्रेक्स और द टेबल ब्रेक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने चीज़ें रखी, 10 kg रखा, नॉर्मल एडजस्ट हो गया 10, फिर 100 kg रखा, नॉर्मल हो गया 100, 1000 kg रखा, टेबल टूट गई। अब यार उतना दम था ही नहीं उसमें, कुछ तो मैक्सिमम एक ब्रेकिंग वैल्यू होगी ना नॉर्मल की, एडजस्ट करता रहेगा तब तक, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क द नॉर्मल रिएक्शंस, एवरीवन ये बॉल है, इन सब के नॉर्मल रिएक्शन को मार्क करो, कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ है, पहले तो इसका सिंपल है ना, इस मास में दोनों फोर्सेज एक्ट करवाओ, इसमें नॉर्मल ऐसे लग रहा है ना, एम जी नीचे होगा इसका, एम जी नहीं मार्क करे, खाली नॉर्मल, इसमें कैसे लगेगा नॉर्मल, इसमें नॉर्मल ऐसे लगेगा, सारे फोर्सेज विजुलाइज करना सीखो, इस पे एक एम जी लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, इसीलिए बॉडी यहाँ जाएगी, देखो एम जी यहाँ लग रहा है तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, तो ऐसे जाता है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जो बॉडी है इसका एक कॉन्टैक्ट ये है, एक कॉन्टैक्ट ये है, दोनों कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल टू द सर्फेस विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर ये सिलेंडर है या स्फीयर है तो बेसिकली एक नॉर्मल ऐसे होगा पासिंग थ्रू द सेंटर, क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल विल पास, मतलब ये पढ़ रखा है ना अपन ने यार, ये पढ़ रखा है हमने, अगर हम एक टैंजेंट के नॉर्मल बनाते हैं कुछ, ये टैंजेंट है, नॉर्मल बनाएंगे तो ऐसे ही होगा, ये N1 होगा,
ये N2 होगा, बोथ विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर, बोथ विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर N1 एंड N2. तो ये सारे नॉर्मल्स मार्क हो गए, इसको N3 बोल देते हैं, N4, डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल लग रहे हैं सबके. ओके, अब देखो अर्थ, दोनों फोर्सेस मार्क करते हैं यहाँ पे, लेट्स मार्क बोथ द फोर्सेस, ठीक है, एम जी एंड नॉर्मल, है ना. अब ध्यान से देखना इस पे एवरी वन, एक तो एम जी ऐसे लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर है, तो एक तो एम जी ऐसे लग रहा है. नॉर्मल कैसे लग रहा है? नॉर्मल ऐसे लग रहा है, फील आ गई, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, मतलब दोनों इक्वल है एडजस्टिंग. क्या ये बात समझ में आ गई? प्लीज हार्ट्स ड्रॉ कर दो अगर समझ में आ गई है, या स्माइली ड्रॉ कर दो. समझ में आ गया? तो ये दोनों इक्वल है. बट अब अर्थ की बात कर लेते हैं, अर्थ पे क्या लग रहा है? अर्थ भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे. अब अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. बेसिकली अर्थ पे भी दो फोर्सेस लग रहे हैं. अब अगर मैं खाली अर्थ की बात करूं, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं खाली अर्थ की बात करूं, तो अर्थ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? अर्थ पे एक तो सेंटर में वही एम जी लगेगा. ओके, सेंटर में वही एम जी लगेगा, क्योंकि जोड़े में अपियर करते हैं, जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, तो एक तो एम जी लगेगा और एक ये नॉर्मल भी लगेगा. क्योंकि अगर मैं अर्थ को पुश कर रहा हूं तो अर्थ भी मुझे पुश कर रही है, तो ये नॉर्मल दोनों जगह लगेगा, नॉर्मल दोनों जगह लगेगा. याद है मैंने आपको बताया था कि टेबल क्यों टूटती है? अबे टेबल टूटती क्यों है? क्योंकि टेबल पे भी लग रहा है नॉर्मल. ये जो नॉर्मल यहां पे लग रहा है, इसका जोड़ा यहां पे है, इसका जोड़ा यहां पे है, तो टेबल पे भी नॉर्मल लगता है. तो टेबल पे अगर तुमने बहुत ज्यादा नॉर्मल लगा दिया, 100 kg का नॉर्मल लगा दिया, तो बेसिकली टेबल टूट जाती है. समझ में आ रहा है ना इस चीज को? जब मैं इसको ऐसे पुश कर रहा था तो मेरे हाथ पे भी जोर आ रहा था, हाथ पे भी जोर आ रहा था. तो बेसिकली अब आप देख रहे हो, तो बेसिकली अब देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इन दोनों के जोड़े दिख गए आपको साथ साथ, ये नॉर्मल नॉर्मल, इक्वल एंड ऑपोजिट. ओके, एम जी और एम जी दोनों के हर एक फोर्स का जोड़ा होता है. अगर मैंने तुम्हें स्पेस में पुश किया तो मैं भी पुश हो जाऊंगा, ठीक है, जोड़े दिख गए होंगे आपको, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. अब यार नेक्स्ट वही था कि यार अगर नॉर्मल इस पे लगता है तो इस पे भी लगता है. समझ में आ गया? अगर आप किसी को पुश करोगे तो वो भी पुश होगा ना यार. किसी को ऐसे थोड़ी एफर्टलेसली पुश तो नहीं कर सकता. ऐसा तो है नहीं कि मैं 100 kg का हूं और वो 20 kg का है, तो वो उड़ जाएगा बट थोड़ा सा मैं भी हिलूंगा. समझ में आ गया? अगर मैंने किसी को चाटा मारा, चाटा नहीं मारना चाहिए, बट अगर किसी, अगर तुमने मारा, चलो ऐसे टेबल को मारा, तो टेबल को तो लगेगी, मुझे भी लगेगी, बट मुझे ज्यादा लगेगी क्योंकि टेबल भारी है, है ना. तो समझ में आ रहा है ना? तो लगेगी दोनों को, सेम फोर्स है. आगे बढ़ते हैं. ओके, अरे यार बहुत बढ़िया यार, 794 लाइक्स हो गए, 800 लाइक्स, अमेजिंग. तो बच्चों समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, है ना. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं, ये एक्शन फोर्स होता है, ये रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक है. तुमने इसको रखा तो इसका एक्शन था, इसका रिएक्शन था. बोला कि तू नॉर्मल लगाएगा तो मैं भी लगाऊंगा, क्योंकि बॉडी रखा तो बॉडी ने, समझ में आ गया, एक्शन रिएक्शन. समझ में आ गया? एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा होता है, जोड़ा हमेशा होता है, ठीक है. अब ये देखो, यहाँ पे नॉर्मल इस बॉडी पे ऐसे लगता है, इस प्लैंक पे भी लगेगा ना ऐसे. समझ में आ गया? क्योंकि अब देखो, अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो ये नीचे जाएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा. विजुलाइज करो, ये फ्रिक्शनलेस है, ये वेज है और ये एक मास है, ये एक मास है, तो ये ऐसे नीचे जाएगा और ये ऐसे आगे जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल की वजह से आगे जाएगा, ये फोर्स का एक कॉम्पोनेंट इसको ऐसे पुश करेगा, ठीक है. अब मार्क द नॉर्मल रिएक्शंस. अब देखो ये लैडर है, ये दीवार है, ये भी दीवार है. अब अगर ये दीवार है और ये दीवार है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा इस लैडर पे? फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी. तो यहाँ पे देखो एवरीवन प्लीज सी, बहुत बढ़िया है, ये पॉइंट पे टच कर रहा है ना, ये पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये ऐसे लगा दो यार, ये थोड़ा सा हिल गया ये, रुको, तो ये ऐसे लगेगा. समझ गए? ये यहाँ पे छू रहा है तो ये ऐसे नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल टू द सर्फेस, ठीक है. तो ये एक N1 लग गया, और एक ये भी टच कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी लगा दो, ये N2 लग रहा है. दूसरा फोर्स MG है ना, सेंटर ऑफ मास पे MG लगा दोगे, बट अभी खाली नॉर्मल लगाना है. समझ रहे हो? थोड़ा अपना IQ इंक्रीज करो. ये नॉर्मल N1, ये N2, अब ये N1 N2 लग गया. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये एडवांस्ड में आता है जनरली, कि अगर लैडर ऐसे रेस्ट कर रही है तो दो नॉर्मल लगेंगे. एक तो अब यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे N1 ड्रॉ कर दो जल्दी से, है ना. तो ये तुमने यहाँ पे N1 ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे क्या करोगे? अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, ये निक है, निक मतलब एक ऐसे चोच है, ठीक है, इस पे रेस्ट कर रहा है ये, है ना, इस पे रेस्ट कर रहा है, तो नॉर्मल ऐसे लगेगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि एक ही पॉइंट पे यहाँ पे कीला ठोक दिया तुमने. अब अगर तुमने कीला ही ठोक दिया तो नॉर्मल इसके नॉर्मल लगेगा. फील करो यार, फील करो. तो एक नॉर्मल यहाँ पे ऐसे लगेगा, नॉर्मल टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस सर्फेस ऑफ द लैडर. तो ये हो जाएगा N2. तो ये दो नॉर्मल लगेंगे, ठीक है. आई होप सबको समझ में आ रहा है. ये थोड़ा एडवांस्ड है, विद प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ.
अब यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे भी मार्क करो, ये दो एक बॉल पड़ी है एक बॉल पड़ी है, यहाँ पे एक ही पॉइंट कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा नॉर्मल का पासिंग थ्रू द सेंटर, तो ये आपका लग गया एन वन, लगा दिया बहुत अच्छा। और एक एम जी, दोनों बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, फ़र्क नहीं पड़ता। ओके और ये एम जी भी लगा दो यार, चलो ठीक है नॉर्मल और एम जी दोनों बैलेंस होंगे, ये यहीं पर पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे सेंटर में, अब अगर ये सिमेट्रिक सिचुएशन है तो ये दोनों नॉर्मल सेम होंगे ओके, और वो ये एम जी होगा नीचे, ठीक है। इस पर कितने फोर्सेज लग रहे हैं सारे मार्क कर दो, एक तो एम जी ऐसे लगेगा, एक नॉर्मल ऐसे लगेगा, ठीक है, और ये एन वन बोल दो इसको और एन टू बोल दो, शायद ये N1 N2 अगर ये सिमेट्रिक है तो सेम होगा, ठीक है, बट वी डोंट नो यार, हमें क्या पता, सेम हो सकता है सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है, सेम हो सकता है सेम नहीं भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने N1 और N2 मार्क कर दिया तो ये आपके फोर्सेस मार्क होगा इस बॉडी पे। अब आपको दिख भी रहा है कि इस पे एक mg ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, तो तीन डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो बैलेंस हो जाएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे फोर्सेस, ठीक है। N1 और N2 लग गए, अब ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है यार, ये भी बहुत सिंपल है। अब देखो ये निक है आपका, ऐसे नॉर्मल बनाओ, यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनेगा, पासिंग थ्रू द सेंटर, तो ये एक नॉर्मल बन गया, ये एक और नॉर्मल बन गया, अरे रुको एक मिनट, ये एक और नॉर्मल बन गया, तो ये हो गया आपका N2, ये हो गया N1, और एक mg भी लग जाएगा नीचे, ठीक है, तीनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बट आपको खाली मार्क द नॉर्मल रिएक्शन था। ओके अब बात करते हैं टेंशन फोर्स की, टेंशन फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स तब आता है, नाउ टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, अंडरस्टैंड दिस इज अ पुलिंग फोर्स, जैसे नॉर्मल पुशिंग फोर्स होता है टेंशन पुलिंग फोर्स होता है, क्योंकि टेंशन रोप में आता है, क्योंकि अब देखो रोप है ये, अगर ये रोप है, वैसे तो एक केबल है यहाँ पे, बट अगर ये रोप है तो क्या आप रोप, अब ये एक्टिवेटेड नहीं है, उसमें टेंशन ही नहीं है, ढीली रोप है, अगर टेंशन टाइट ही नहीं है तो टेंशन नहीं होगी ना। अब देखो क्या मैं इससे पुश कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बट क्या मैं इससे पुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। बच्चों एक मिनट, आई विल कॉल वन ऑफ माई टीम मेंबर्स हियर, साईनाथ कम हियर, सो साईनाथ इज ऑल्सो फिजिक्स एंथुजियास्ट लाइक यू एंड मी। तो गाइज अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हम इसको पुल करेंगे, साईनाथ यू ऑल्सो पुल, आई विल नॉट लीव ओके, अब हम इसको पुल कर रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है, टेंशन आ गई, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो अगर ये टेंशन मेरे फोर्स के बराबर है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, देखो विजुलाइज करो, खाली मुझे, मैं यहाँ पे ऐसे जा रहा हूँ बट ये टेंशन मुझे रोक रही है, ये जो टेंशन ऐसे टी लग रही है वो मेरे फोर्स के बराबर है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं उड़ता हुआ जाता, अगर ये रोप टूट जाए तो टेंशन जीरो हो जाएगी, तो मैं ऐसे जाऊँगा ये ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ही इज ऑल्सो अप्लाइंग द सेम फोर्स एफ, आई एम ऑल्सो अप्लाइंग द सेम फोर्स एफ, यहाँ पे एक टेंशन टी फोर्स आ गया, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स बिकॉज टेंशन इज पुलिंग मी, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ बट टेंशन इज पुलिंग मी टूवर्ड्स साईनाथ, ओके साईनाथ लेट्स ट्राई टू पुल, ठीक है। तो अब देखो विजुलाइज करो, इस रोप में टेंशन मुझे ऐसे पुल कर रही है टूवर्ड साईनाथ, पुल कर रही है और साईनाथ को पुल कर रही है मेरी तरफ, देखो साईनाथ पे ऐसे लग रही है, समझ में आ गया, आई होप सो, थैंक यू सो मच साईनाथ। ओके गाइस आई होप आप सबको समझ में आया। अब देखो तो यार आपने देखा ये एक पुलिंग चीज थी, तो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, ठीक है, इट्स नॉट अ पुशिंग फोर्स, तो क्योंकि आप एक रोप से पुश नहीं कर सकते, टेंशन इज ऑलवेज इन अ स्ट्रिंग, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है समझ में आ गया, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि पार्टिकल्स हैं इसके, बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रिंग में, बॉन्ड्स होते हैं, अगर आयरन की स्ट्रिंग है तो मेटालिक बॉन्ड्स होंगे उनके बीच में, है ना, उसको तोड़ने के लिए अगेन बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो स्ट्रिंग टूट भी जाती है, ठीक है समझ आ गया, तो इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स कम्स इनटू एक्शन व्हेन द स्ट्रिंग इज टाइट, अगर टाइट नहीं है तो फोर्स ही नहीं लगेगा ना, ठीक है, सो दैट इज द टेंशन फोर्स, ओके एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। अब जैसे इस मास को देखो, अब यार अगर ये मास है, अब यार ये मास वहीं पर टिका हुआ है, अब अगर ये मास है, इस मास पे एक mg लग रहा है तो ये तो नीचे गिरना चाहिए, बट क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि टेंशन पुल कर रही है इसे, टेंशन पुलिंग फोर्स, देखो टेंशन बोल रही है कि नहीं मैं तेरे को नीचे नहीं जाने दूंगी, तो एवरीवन कैन यू सी दिस मास, मास पे एक टेंशन फोर्स लग गया, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हम देखेंगे, अब आई हैव टू ब्रेक हियर बिकॉज गॉड ऑफ केमिस्ट्री की क्लास नेक्स्ट है बच्चों, तो अगेन दो मिनट में वी विल रैप अप, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें, और प्लीज वेट फॉर हिस क्लास, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स, एक स्ट्रिंग में दो फोर्सेज लग रहे हैं टी और टी,
दो टाइप की स्ट्रिंग्स होती हैं, एक होती है आइडियल स्ट्रिंग और एक होती है नॉन आइडियल स्ट्रिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स में आइडियल होगी, कभी कभी नॉन आइडियल भी होती है। तो आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है? आइडियल स्ट्रिंग वो होती है जो मासलेस होती है, मतलब डजंट हैव, तो मासलेस तो नहीं हो सकती, बट हम अपनी प्रॉब्लम्स में फिजिक्स को समझने के लिए आइडियल स्ट्रिंग यूज करेंगे, विच इज मासलेस एंड इट डजंट एक्सटेंड, मतलब इनएक्सटेंसिबल है। ऐसा नहीं कि फैल गई स्ट्रिंग, मतलब इट इज इनएक्सटेंसिबल, इट डज नॉट चेंज इन लेंथ, रबर बैंड की तरह नहीं है, इट इज इनएक्सटेंसिबल, इट कांट एक्सटेंड। ओके, इट इज मासलेस, टेंशन थ्रू आउट द लेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगी। और नॉन आइडियल स्ट्रिंग में मास होता है, देयर इज अप्रिशिएबल मास एंड टेंशन, लाइट स्ट्रिंग भी नहीं होती, लाइट को भी आइडियल मानोगे तुम। ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। अगर मास है किसी स्ट्रिंग का, जैसे इसका मास है तो ऑब्वियसली मास है तो mg सबका लग रहा है, तो नीचे वाले पॉइंट्स पे कम टेंशन होगी, ऊपर वाले पॉइंट्स पे ज्यादा टेंशन होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुको। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये M लग रहा है, तो mg और टेंशन ऊपर लगेगी, ठीक है, mg और टेंशन ऊपर लगेगी। अब जैसे ये है, इसमें दो दो टेंशन ऐसे लग रही हैं, तो अब जल्दी से मास को ड्रॉ करो, ये मास पे mg फोर्स तो नीचे लगेगा क्योंकि नीचे गिरेगा नहीं तो। अब टेंशन T और T अलोंग द स्ट्रिंग्स, देखो ऐसे लग रही हैं टेंशंस, टेंशन एक टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा है T1 और एक लग रहा है ऐसे T2। इन सबका वेक्टर सम जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये सारे फोर्सेस बैलेंस कर रहे होंगे अपने आप को। विजुलाइज करो फोर्सेस को, विजुलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो ये मास एम यहाँ पे T1 T2 और एक और फोर्स लग रहा है विच इज mg, ये सारे के सारे फोर्सेस, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंशन फोर्स है, TNN नॉर्मल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। वो साउंड थोड़ा वैसा करता है बट आप समझ गए हो मेरी भावना, ठीक है। अब यहाँ पे इस मास पे सारे फोर्सेस जो आपको दुनिया जहां के पता है मार्क कर दो। अब देखो इस मास पे बच्चों ध्यान से देखना, मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स तो लग रहा है mg नीचे, ध्यान से देखो एक फोर्स तो लग रहा है mg नीचे, यहां पे छू भी रहा है तो नॉर्मल भी लग रहा होगा, यहां पे छू रहा है तो नॉर्मल भी लग रहा होगा, है ना, छू रहा है ना, यहां पे देखो कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा। मैंने थोड़ा आगे ड्रॉ किया है बट मुझे कायदे से यहां से करना चाहिए था, ठीक है। और ये टेंशन फोर्स भी लग रहा है, टेंशन फोर्स भी लग रहा है, तो आप एक्चुअली इस टेंशन को टी कॉस थीटा टी साइन थीटा में ब्रेक कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा एन को बैलेंस करेगा। तो बेसिकली ये सारे बैलेंस्ड फोर्सेज हैं, इस पे इतने ही फोर्सेज लग रहे हैं इस मास पे। इस मास पे देखते हैं, इस मास पे बच्चों एक टेंशन तो ऐसे लग रही है, एक टेंशन ऐसे लग रही है T1 T2 और एक mg, डिफरेंट स्ट्रिंग्स डिफरेंट टेंशन, ये सारी आइडियल स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके, ड्रॉ द टेंशन फोर्सेज ऑन दीज मासेस, ठीक है, ड्रॉ द टेंशन फोर्सेज ऑन दीज मासेस। तो यार ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मैं बोलता हूँ हर पॉइंट पे टेंशन सेम है, इस पे ये स्ट्रिंग वन है, ये स्ट्रिंग टू है, तो इस पे मैं लगाता हूँ T2 और इस पे लगाता हूँ मैं M2G, तो इस मास पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं, M2G और T2। अब यार ये स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, तो अगेन स्ट्रिंग जब मैं और साईनाथ खींच रहे थे तो दोनों तरफ से टी और टी लग रहा था, तो यहां पे फिर से एक और टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, यहां पे भी लग जाएगा T2 और यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे T1 लग जाएगा और यहां पे एक और फोर्स लगेगा M1G, ठीक है। ये सारे फोर्सेज हैं इसके, वैसे इंपॉर्टेंट क्या थे, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ये इंपॉर्टेंट थे, ये और ये टेंशन फोर्सेस हैं, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रिंग कहीं भी छू रही है, वो बेसिकली अगर ये स्ट्रिंग है और ये पुश कर रही है, तो बेसिकली टेंशन विल बी अ पुलिंग फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बच्चों दैट वॉज अबाउट इट, अब जल्दी से हम गॉड ऑफ केमिस्ट्री सर को बुला रहे हैं, पारस सर को, अगेन मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपको स्केड्यूल पता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, जो बच्चे जिससे बहुत डरते हैं और ये बहुत आसानी से करेंगे बच्चों, ट्रस्ट मी वी विल डू इट इन अ वे कि वो इतना अच्छा बन जाएगा आपसे, एक एक प्रॉब्लम बनने लगेगा। मंडे ट्यूसडे वेंसडे 7-8-9, रिमेंबर द टाइमिंग्स, 11th ग्रेड चल रहा है फिजिक्स का एंड अभी पारस सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच बच्चों, तहस नहस कर दो लाइक बटन को शेयर, एंड प्लस कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक है जेई लाइव कोड यूज करके, डेफिनेटली अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो आई कैन टेल यू प्लस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इफ यू वॉन्ट टू लर्न इन अ पर्सनलाइज्ड मैनर विद ऑल ऑफ अस एंड गेट कनेक्टेड पर्सनली विद अस। दिस इज अनअकैडमी जेई चैनल, सब्सक्राइब जरूर करना और हिट द बेल आइकन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नोट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे, बाय।